हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्याज की सूखी सब्जी बनाना। हाँ दोस्तों, प्याज खाने में बहुत टेस्टी लगता है, पर उसकी सब्जी उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए हम सबसे पहले कुकर चढ़ा लेंगे गैस पे, उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, हर सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है हींग। दोस्तों तो हम इसमें थोड़ा सा हींग का तड़का डाल देंगे। उसके बाद हम उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा और हींग को 2 मिनट के लिए सिकने देंगे, जब तक तो ये लाल कलर का ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा जीरा अच्छे से सिक गया है। अब हम इसमें हमारे कटे हुए प्याज के टुकड़े डाल देंगे। प्याज चिपके नहीं तो करना, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे प्याज की सब्जी है बहुत चिपकेगी नहीं, तो जो सूखी सब्जी होती है इसमें चिपकने का बहुत ज़्यादा डर होता है। हम इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आप प्याज जिस क्वांटिटी का लें उसी हिसाब से आप मसाला डाल सकते हैं। हमारे पास प्याज हमने कम लिए हैं, इसलिए हम इसमें कम कम मसाला डाल रहे हैं। 1 चम्मच धनिया, अगर आप प्याज ज़्यादा डालते हैं तो आप मसाला ज़्यादा डाल दीजिएगा, अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं आप। और 1/2 चम्मच नमक, हमने मसाला डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। आप बाजार से हरे प्याज लाते हैं, हरी सब्जी बनाते हैं, अगर कभी हरे प्याज अवेलेबल ना हो तो आप सेम उसी स्वाद की सब्जी खाने के लिए घर में जो आपके पास सादा प्याज रहते हैं उनको भी ला के काट के इस तरह से सब्जी बना सकते हैं। हमने मसाला हिला दिया, इसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे और इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेंगे तो बन जाए। ये देखिए फ्रेंड, 3 सीटी के बाद हमारा कुकर खोलते हैं। वाह, हमारे प्याज अच्छे से सब्जी बनके तैयार है। इसे हम एक बार अच्छे से हिलाएंगे और ये देखिए एक बाउल में डालेंगे और सर्व करेंगे। खाइए प्याज की स्वादिष्ट सब्जी, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत सारी बधाई लीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग।